हाय गाइस, आई एम निशांत, वेलकम बैक टू द चैनल। तर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट लेवल्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, इसमें तुम्हें समझ आया कि जब तुम एक कंपनी ज्वाइन करते हो एंड तुम्हें कितने टाइम बाद कौन सा प्रमोशन मिल सकता है एंड कौन से लेवल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को प्रमोशंस मिलते हैं, उसके बाद क्या आता है एंड हाउ कैन यू बिकम द मैनेजर, और ऐसे जो भी लेवल्स होते हैं उन सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड एक काफ़ी अमेजिंग रिसोर्स के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ जहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर तुमने SG1 ज्वाइन करा मान लो Amazon में एंड तुम उसके बाद स्विच करते हो टू Google या फिर Apple या फिर कोई भी कंपनी, तो तुम्हें सही लेवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तुम्हें सही कॉम्पनसेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पैसे जो मिल रहे हैं सही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए एक दो काफ़ी अमेजिंग रिसोर्सेज हैं जो लोगों को पता नहीं होते एंड कई बार उनको अंडर प्ले कर दिया जाता है। ठीक है, अब तुम्हें मिलना चाहिए था SG2 बट उसमें कुछ बोलते हैं उसको कुछ और, MTS बोलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और बोलते हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हें उन्होंने एक लेवल नीचे दे दिया और तुमने बाद में जाके देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई मेरे साथ। तो ये सब तुम्हारे साथ ना हो तो उसके लिए वाली वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, उस वेबसाइट का नाम है levels.fyi। अब इसमें क्या होता है कि तुम्हें ना हर कंपनी के ना लेवल्स पता चल जाते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे देखो, हमने माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और इन्फोसिस को कंपेयर किया है। तो अगर तुम इन्फोसिस ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो अगर तुम JL 3B, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इंजीनियर है, अगर तुम इस वाले लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो तो तुम एक SG1 हो। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम ओरेकल में ज्वाइन करते हो तो IC1 हो एंड अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करते हो लेवल 59 हो। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो लेवल 60 लेवल 59 दोनों SG1 की कैटेगरी में आते हैं, और जिसका जो सिस्टम्स इंजीनियर है दैट इज SG1 ओनली। एंड सिमिलरली IC2 जो तुम्हारा मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ है, MTS, तुम देखोगे नाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट से होते हैं, तो उस लेवल पे जब तुम होगे तो वो भी SG1 ही होता है। एंड ऐसे अगर मैं किसी और कंपनी का यहाँ पे ऐड करूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे गूगल का कंपेयर करूँ, फेसबुक का कंपेयर करूँ और तुम्हारा अमेजोन का कंपेयर करूँ, ठीक है, तो तुम देखोगे कि गूगल में जो फर्स्ट एंट्री लेवल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो SG2 होता है, SWE2, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2। बट लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कोई भी अगर पोस्ट डालता है कि यार मैंने ज्वाइन किया गूगल एज SWE2, तो लोगों को लगता है तो SG2 सीधा ज्वाइन कर लिया इन्होंने, एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, राइट। अगर कोई प्रमोट होता है SWE3 में तो लोगों को लगता है SG3 बन गए, जबकि SG3 अमेजोन में बनने के लिए तुम्हें 7-8 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बट अगर गूगल में तो वो सेम जो होता है SWE3 अगर कोई लिखता है तो उनको लगता है कि 2 साल में तो SG3 बन गए, बट ऐसा नहीं होता, दे आर SG2। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो सारे जो ब्रैकेट्स हैं, मेजर जो चार अपनी टेक कंपनीज हैं उनका तुम देखोगे तो SG1L4 होता है तो हमारे अमेजोन में, ठीक है, फेसबुक में E3 होता है, गूगल में SWE2 होता है और माइक्रोसॉफ्ट में लेवल 59 और 60 होता है। तो अब इस लेवल में जनरली तुम्हें क्या आप चाहिए होता है पढ़ने के लिए, यार तुम्हें बेसिक DSA की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती तो अगर तुम्हें बेसिक DSA और कंप्यूटर फंडामेंटल्स आते हैं तो तुम्हें एंट्री लेवल इन कंपनीज में जॉब मिल जाती है, तो अगर तुम टेस्ट और इंटरव्यूज वगैरह क्लियर कर देते हो तो। इसके बाद जो सबका नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज SG2। अब उसको तुम्हारे अमेजोन में L5 बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे गूगल में L4 बोलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट में लेवल 61 बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कंपनी और ऐड करूँ, Salesforce, तो Salesforce में उसका नाम बिल्कुल ही अलग होता है, वहाँ पे SG1 को AMTS बोलते हैं, एसोसिएट मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ, और तुम्हारे SG2 को बोलते हैं MTS, ठीक है, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से क्रिएट होते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त अगर एकदम से एक डेढ़ साल दो साल में MTS हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि अरे तो MTS तो सेम ही लेवल है, बट मतलब पहले लगता था, अब तो पता है मेरे को MTS इज SG2। सिमिलरली अगर तुम Adobe का देखोगे तो Adobe का MTS1 इज SG1, MTS2 इज ऑल्सो SG1, वो भी एक साल डेढ़ साल के अंदर प्रमोट हो जाते हैं टू MTS2, एंड उसके बाद कंप्यूटर साइंटिस्ट इज इक्विवेलेंट टू तुम्हारा SG2। तो ये हर कंपनी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उन्होंने नेमिंग स्कीम में और इन सब में ना चेंज कर रखा है, तो इससे कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत आ जाती है। एंड हर लेवल पे इससे दूसरे लेवल पे जाने के लिए कई बार तुम टीम स्विच कर रहे होते हो, तुम नई नई चीज़ें सीख रहे होते हो, अगर तुम पहले बैकएंड पे काम कर रहे थे ना, उसके बाद तुमने टीम स्विच करके फ्रंट एंड पे काम करना शुरू किया, तो तुम्हें नए स्किल्स फिर से सीखने पड़ेंगे, राइट। अब ये सब सुन के तुम्हें इतना समझ आ गया होगा बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हें अपने स्किल्स पे कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है। न्यू स्किल्स सीखने के लिए यूडेमी मेरे को काफी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि इस पर काफी सारे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो काफी अमेजिंग कोर्सेज बनाते हैं और उनको ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखें जिससे हम उन्हें अपने जॉब या प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकें। मैंने खुद अपने कॉलेज टाइम में यूडेमी से कोल्ड स्टील का कोर्स किया था, एंड जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करी तो मेरे को स्विफ्ट मिले, ठीक है, तो मेरे को iOS डेवलपमेंट करनी थी, तो मैंने वहां से एंजल AIU का अपना iOS डेवलपमेंट वाला कोर्स किया, विच हेल्प मी गेटिंग ऑनबोर्डेड टू स्विफ्ट एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक
ऑप्शनल्स, डेलीगेट्स, प्रोटोकॉल्स, ये सब सीखने में काफी ज्यादा हेल्प की। कोर्सेज आर सुपर एंगेजिंग विद असाइनमेंट्स टू कीप यू मोटिवेटेड। और मैंने ये कोर्स 2021 में किया था और जो उसका कोर्स कंटेंट है आज भी अपडेट हो रहा है। प्लस ऑल द कोर्सेज ऑन यूडेमी आर अफोर्डेबल। लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस एंड ये हैबिट डेवलप करना तुम्हें कभी ना कभी पे ऑफ जरूर करेगा, आइदर यू आर अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल। स्टार्ट योर लर्निंग विद यूडेमी टुडे एंड यू विल गेट अ स्पेशल प्राइस, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके बाद यार जब तुम SG1 से SG2 में स्विच करते हो, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, मैंने अपने मैनेजर से काफी ज्यादा बात करी, तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिटीज चाहिए होते हैं, किन चीजों पर फोकस करना होता है। तो मेरे को जो मेरे मैनेजर ने काफी बारी बताया कि SG1 और SG2 में मेजरली ये डिफरेंस होता है कि SG1 में दे सी कि क्या तुम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें दी जा रही हैं वो तुम अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, अपने डिलीवरेबल्स कंप्लीट कर पा रहे हो। एंड SG2 लेवल जाने के लिए वो ये देखते हैं कि क्या तुम दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो, दूसरों से हेल्प ले पा रहे हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम किसी को मेंटर कर पा रहे हो, अगर कोई तुम्हारे पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी एक चीज़ को एंड टू एंड डिलीवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम उसको पूरा टेक केयर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। एंड कॉन्स्टेंटली हमें नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा SG1 से SG2 जब तुम जा रहे होते हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली यार ये तुम्हारा SG2 की बात हो गई, हमने कर ली। अब SG2 में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं और SG2 के बाद यार तुम्हें SG3 बनने में ना हर कंपनी में अलग अलग टाइम लग रहा होता है। कुछ कंपनीज में 6-7 साल लग जाते हैं, कुछ कंपनी में 3-4 साल लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनके लेवल्स कितने ज्यादा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे तुम अगर अमेज़न में देखोगे तो उसमें SG1, SG2, SG3 ही है, उसके बाद प्रिंसिपल काफी लेट आता है। ऑन द अदर हैंड माइक्रोसॉफ्ट में तुम देखोगे SG2 में भी दो लेवल्स है, 61-62, उसके बाद SG3 में 63-64 है, तो उसमें दो लेवल्स हैं। तो उसमें मल्टीपल प्रमोशंस मिलने के बाद तुम प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे होते हो। एंड जो अमेजोन का सीनियर SG है, SG3 है, वो ओवरलैप करता है अपने माइक्रोसॉफ्ट के लेवल 65, दैट इज प्रिंसिपल इंजीनियर के साथ। तो इससे तुम्हें ये बात तो समझ आ गई होगी कि अगर तुम प्रिंसिपल इंजीनियर हो माइक्रोसॉफ्ट में तो अगर तुम अप्लाई करोगे अमेजोन में तो तुम्हें वहाँ पे प्रिंसिपल इंजीनियर मिले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें SG3 दे एंड कुछ टाइम बाद तुम्हें प्रिंसिपल इंजीनियर बनने के लिए बोलें कि वील प्रमोट यू टू प्रिंसिपल इंजीनियर आफ्टर सम टाइम, जब तुम ये चीज़ें डिलीवर कर देते हो, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि कौन से लेवल्स होते हैं, जल्दी SG1, SG2, SG3, उसके बाद तुम्हारा प्रिंसिपल SG आता है, तो फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हारा आता है पार्टनर, फिर डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर एंड टेक्निकल फेलो। तो ये जो डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर टेक्निकल फेलो बहुत 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 रेयर होते हैं कंपनीज में, लाइक पूरे माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक 5-7-10 इतना बहुत छोटा सा नंबर है, लाइक डबल डिजिट में होगा ये नंबर, ट्रिपल डिजिट में तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो बहुत कम लोग वहां तक जाते हैं बिकॉज पीपल स्विच टू तुम्हारा इंजीनियरिंग मैनेजर। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लेवल्स दिख रहे हैं, तुम्हें ऐसे अलग अलग प्रोफाइल्स के भी चेक कर सकते हो, तुम प्रोडक्ट मैनेजर्स के भी लेवल्स चेक कर सकते हो, तुम इंजीनियरिंग मैनेजर्स के भी लेवल चेक कर सकते हो। तो सारे करके दिखाता हूं भी तुम्हें, बेसिक तुम्हें यहाँ पे समझ आ गया होगा। तुम्हें कोई भी लेवल कंपेयर करना, तुम यहाँ पे कोई भी कंपनीज वगैरह अपना चूज कर सकते हो एंड उनके तुम लेवल्स वगैरह कंपेयर कर सकते हो। जैसे तुम देखो यहाँ पे Airbnb के लेवल्स भी आ गए, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के आराम से दे रखे हैं। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे देखो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर का चेक करना है, ठीक है, तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर का यहाँ पे डाल दिया। अब तुम देखोगे माइक्रोसॉफ्ट में SGM बनने के लिए तुम्हें लेवल 63 होना पड़ता है, ठीक है, लेवल 63 वहाँ पे तुम्हारा SG3 था। तो सेम SG3 बनने के बाद तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर बन सकते हो। अमेज़न में थोड़ा डिफरेंट होता है, तुम SG2 के बाद भी एक ट्रांजिशनिंग मैनेजर बन सकते हो। जैसे सौम्यजीत जो है भैया, वो अभी SGM है इन अमेज़न, बट वो SG2 लेवल वाले SGM है, SG3 वाले नहीं। SG3 वाले बनने में 7-8 साल लग जाते हैं मिनिमम। तो तुम देख सकते हो अगर तुम्हें एक पॉइंट के बाद हो गया कि यार अब SG वाला काम नहीं करना, मेरे को थोड़ा मैनेजमेंट रोल्स में जाना है, तो तुम्हें इस लेवल तक आना पड़ेगा, उसके बाद तुम मैनेजमेंट रोल्स में ट्रांसफर कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं कि अगर मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के क्या लेवल्स होते हैं, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स के ये लेवल्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लेवल 58 भी होता है उसको, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में उसको एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर बोलते हैं। बट अगर तुम MBA के बाद ज्वाइन करते हो तो तुम्हें 59 मिलता है मिनिमम, ठीक है, 58 नहीं मिलता, 58 बीटेक बाद के बाद मिलता है। एंड गूगल में तुम देख सकते हो एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर 1, APM 2, फिर PM 1, PM 2, ऐसे ऐसे लेवल्स होते रहते हैं। तो इस वेबसाइट पे तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। सिमिलरली इसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट डिजाइनर्स का भी मिल सकता है यहाँ पर, अगर तुम एक डिजाइनर हो। मैनेजमेंट कंसल्टेंट अगर तुम हो किसी कंपनी में, तुम उनका भी चेक कर सकते हो, बेन, BCG, मैकेंजी, एक्सेंचर, इन सब के तुम चेक कर सकते हो कौन से रोल पे कितनी, मतलब क्या नाम होता है, क्या उससे तुम बन सकते हो। एंड सिमिलरली तुम देखोगे उसमें अलग अलग रोल्स का भी बता रखा है तुम्हें। एंड इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, सैलरीज वगैरह भी चेक कर सकते हो कि तुम्हें उसमें जो सैलरी वगैरह मिल रही है वो वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है कि नहीं है। तुम यहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सैलरी चेक कर सकते हो। तुम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अगर कोई भी कंपनी का सर्च करना है, हम सर्च करेंगे अमेजोन का, ठीक है, लोकेशन हमें इंडिया कर देनी है, लोकेशन हमने इंडिया कर दी, और यहाँ पे तुम्हारा पहले यहाँ पे सैलरी जो तुम्हारी आती थी वो लाख्स में
में नहीं आती थी, पहले वो डॉलर्स में आती थी, अब इन्होंने वो सब चीज़ें अपडेट कर दी जो कि काफ़ी सही है, और तुम यहाँ पे मिल जाती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सैलरी। अब जैसे मेरे को किसी की भी देखनी है लेवल, किस लेवल पे देखनी है, तो मैं देख सकता हूँ। फिल्टर्स में जाके एंट्री लेवल 1 to 0 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सैलरीज मिल जाएंगी, कौन सी कंपनी कितनी सैलरी ऑफर कर रही है, इससे अलग जब तुम नेगोशिएट करोगे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक और वेबसाइट है, मतलब तुम्हें पता होगा लीडकोड के बारे में, तो लीडकोड पर भी सेम चीज़ होती है। तो लीडकोड के कंपनसेशन वाले जो डिस्कशन वाला पार्ट है उसमें जाके तुम सर्च कर सकते हो। लोग अपनी सैलरीज एनोनिमसली डालते रहते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तुम यहाँ पे देखो गूगल L5 बैंगलोर सैलरी किसी ने अपनी डाली हुई है, तो 10+10.5 years of experience SSE at Microsoft, that is senior software engineer, and अभी L5 at Google, तो सैलरी है जो बेस सैलरी 65 lakh, साइनिंग बोनस 13 lakh, स्टॉक ग्रांट 265K, एंड इसमें तुम्हें काफ़ी अच्छे से डिटेल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ये दोनों वेबसाइट्स हैं, दोनों वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें अपनी सैलरीज वगैरह नेगोशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे तुम्हें यहाँ पे कंपेयर करनी है कि SG1 की जो मीडियम सैलरीज है, यहाँ पे तुम देखोगे मैंने अगर फिल्टर में डाल दिया एंट्री लेवल 1 to 2, तो यहाँ पे तुम्हें मीडियम सैलरीज वगैरह दे देगा कि मीडियम सैलरी कितनी है, तुम्हारी एंट्री लेवल सैलरी कितनी है। अगर तुम यहाँ पे फिल्टर्स में डाल दोगे मिड मतलब SG2 वाला, तो SG2 की तुम्हारी सैलरीज वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। और तुम्हें बता देगा कि इंडियन लोकेशन में कौन सी कंपनीज सबसे ज़्यादा पे कर रही हैं, सेट लाशन, कोहेसिटी, उबर, ठीक है। और तुम्हें किसी पर्टिकुलर कंपनी का चेक करना है, जैसे मुझे चेक करना है उबर का, ठीक है। तो उबर में यहाँ पे तुम्हें SG2 का दिखा देगा कि कौन कितनी कंपनसेशन हो रही है, एंड कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मिल रही है, उस कंपनी में कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एंड उससे पहले कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, वो तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो सबकी सैलरीज, यहाँ पे सैलरीज कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेरे को और एक्सपीरियंस देखना है, मुझे 7 years+ वाला एक्सपीरियंस देखना है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा L5, और जो लेवल्स है वो तुम जाके इससे पहले चेक कर सकते हो कौन सा किस लेवल पे है, सो तुम्हें लेवल्स का आइडिया लग जाएगा। एंड या दिस इज़ प्रिटी मच इट, मैंने तुम्हें पूरा यूज़ करना सिखा दिया कैसे तुम्हें यूज़ करना है, एंड काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है, तो इससे तुम्हें पूरी नॉलेज रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।